दोस्तों आपने अक्सर इस तरह के वीडियोस YouTube में देखे होंगे और इस तरह के लाइव सेशंस भी आपने बहुत बार देखा होगा, और इसमें एक बहुत ही प्रोफेशनल लुक टीचर का आता है, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन रहता है जिसके थ्रू टीचर पढ़ा रहा होता है वो टीचर के बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाता है। और अक्सर इस तरह के लाइव सेशंस लेने के लिए हमको OBS की ज़रूरत पड़ती है। बट दोस्तों आज मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगा कि आप इस तरह के लाइव सेशंस डायरेक्टली आप Zoom के थ्रू भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, Zoom के थ्रू भी लाइव सेशन आप इस तरह से ले पाएंगे। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और बहुत ही फटाफट पॉइंट वाइज मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने Zoom मीटिंग में जाना है। आप Zoom मीटिंग आप अपनी ओपन कर लीजिए। अब इसमें सबसे पहले तो एक ज़रूरी चीज़ दोस्तों ये है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन रहना चाहिए, ग्रीन स्क्रीन रहे। कोई भी एक प्लेन बैकग्राउंड रह सकता है, बट बेटर है कभी भी कि पूरा ग्रीन बैकग्राउंड रहे, तो वो ग्रीन बैकग्राउंड कभी भी बेटर रहता है। तो ये ग्रीन बैकग्राउंड आपको आसानी से मिल जाता है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, आप वहां से उसको परचेज भी कर सकते हैं अगर आप ग्रीन बैकग्राउंड एक्वायर करना चाहते हैं तो। अच्छा, इसके बाद अब आपको करना है दोस्तों कि आप इस सबसे पहले तो आपको प्रेजेंटेशन अपने ओपन करना है, बट वो प्रेजेंटेशन आपको कहां से ओपन करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों आपको यहां जाना है शेयर स्क्रीन में, और यहां सबसे पहले ये एक तो बेसिक वाला ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा दोस्तों एडवांस वाला। तो एडवांस वाले में एक अभी बहुत ही नया फीचर इसमें आया है जो कि अभी बीटा वर्जन में ही है, वो है पावर पॉइंट एज अ वर्चुअल बैकग्राउंड। तो आप इस फीचर में जाइए पावर पॉइंट एज अ वर्चुअल बैकग्राउंड में, और यहाँ पर जिस भी प्रेजेंटेशन के थ्रू आप करना चाहते हैं उस प्रेजेंटेशन को आप यहाँ पर ओपन कर लीजिए। ये सारी जितनी भी स्लाइड्स है वो सारी स्लाइड इसमें ओपन हो जाएगी, और प्लस साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि आपका जो बैकग्राउंड है वो भी इसके साथ मर्ज हो जाएगा। ये देखिए ये आ चुका है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं मेरा वीडियो ये भी आ चुका है, और ऑटोमेटिक इसने पीछे का बैकग्राउंड जो है वो क्लियर कर लिया है। ओके, तो अभी तक उसको ये भी नहीं पता है कि ग्रीन स्क्रीन है कि नहीं है, बट क्योंकि Zoom अब बहुत स्मार्ट हो चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, तो इसने खुद से ही पीछे का बैकग्राउंड क्लियर कर लिया। बट स्टिल आपको और थोड़ी सी बेटर इसमें क्वालिटी चाहिए, तो एक ऑप्शन मैं उसमें और बता रहा हूं। आप यहां पर वीडियो में जा सकते हैं, वीडियो सेटिंग्स में जाइए, और वीडियो सेटिंग में जाने के बाद आपको मिलेगा बैकग्राउंड एंड फिल्टर्स, और इसमें आपके पास एक ऑप्शन है आई हैव अ ग्रीन स्क्रीन, तो आप ग्रीन स्क्रीन में क्लिक कर दीजिए, तो ये चीज़ और आपकी पहले से बेटर हो जाएगी, ग्रीन स्क्रीन का क्रोमा जो है वो बहुत अच्छे से कट जाएगा। तो ये दोस्तों ये आ गए मेरे वीडियोस यहाँ पर, इसको मैं चाहूँ तो बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ। एक फाइनल आउटपुट में आपको इस तरह की चीज़ें आपको भले ही ना दिखे, बट ये मैं अपने एंड पे ये चीज़ कर सकता हूँ, ये आपको ये मैं जहाँ चाहे वहाँ शिफ्ट कर दूंगा। ये मेरे को ही दिख रहा है मैं जो शिफ्ट कर रहा हूँ, बाकी फाइनल आउटपुट में ये चीज़ आपको नहीं दिखेगी, आपको डायरेक्टली शिफ्ट हुआ हुआ दिखेगा। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर Zoom के द्वारा है, और जैसे जैसे मैं स्लाइड चेंज करना चाहता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्लाइड चेंज का ऑप्शन है, ये आगे से आगे मैं इसमें स्लाइड बढ़ा सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छा मेथड है दोस्तों, मैं समझता हूँ प्रेजेंटेशन के लिए बहुत एडवांस फीचर Zoom ने इंटीग्रेट किया है। एक और इसमें जो कमी है जो मुझे लगता है वो है लिखने की। इसमें अगर हम लिख भी पाते पावर पॉइंट में जिस तरीके से हम लिख सकते हैं, अगर इसमें भी वो चीज़ हो पाती तो वो बहुत अच्छा हो जाता, बट अभी वो बीटा वर्जन में है। आई होप कि आगे भी Zoom इस चीज़ पर और वर्क करेगा। सो आई थिंक कि आप ये फीचर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आपकी टीचिंग के लिए। आप इसमें के वीडियोज़ रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जिस तरह से Zoom में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन रहता है आप इसमें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, लाइव सेशंस भी ले सकते हैं। दोस्तों कोई इसमें आपको कमेंट है, आपका कुछ क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने फेलो बींग्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। सो आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।